क्या किया, फिर अगेन रिपीट करते हैं। एक स्ट्रिंग था स्ट्रिंग वन, दिस वॉज स्ट्रिंग टू। स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू हमने str के फंक्शन को भेजा। str फंक्शन ने इस फंक्शन में से इसको सर्च किया, उसका एड्रेस रिटर्न कर दिया। हमें इसमें जो प्रॉग लिखा हुआ था उसका एड्रेस नहीं चाहिए था, इंडेक्स चाहिए था। तो हमने अपनी मदद आपके तहत i इज इक्वल टू p माइनस str1 किया, ये फार्मूला था, हमने डिस्कस किया। उसकी मदद से अब हमारे पास i के अंदर इस प्रॉग का स्टार्टिंग इंडेक्स आ गया, ठीक हो गया। i के अंदर 3 पड़ा हुआ है, सही। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आप prog को डिलीट करना चाहते हैं, सो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज r। तो r का इंडेक्स आप 7 रख दें तो क्या होगा, 3 से लेकर 7 के दरमियान जितने वेरिएबल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो आपने पोजीशन 2 के अंदर i कर दिया और पोजीशन 1 के अंदर 7 कर दिया, क्योंकि अभी हमने यहां देखा है कि जो इंडेक्स आप पोजीशन 1 के अंदर रखते हैं वहां वो सारा का सारा ऑनवर्ड सारा वापस कॉपी हो जाता है पोजीशन 2 पे। तो यहां से ये PROG वाला जो काम था, यहां पे अगर प्रॉग लिखा हुआ था तो ये जो उससे ऑनवर्ड है वो सारा का सारा इधर आ जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो अब सवाल ये है, ये तो समझ आ गया पोजीशन 2 तो आई है, पोजीशन 1 7 क्यों हुआ? सवाल तो ये है, किसकी लेंथ? स्ट्रिंग 2 की लेंथ तो 4 है, आई प्लस 4, यानी इसकी लेंथ प्लस इसका स्टार्टिंग पॉइंट, तो हमें अगली जगह मिल जाएगी। तो अब हम यही काम करेंगे, हमने इसकी लेंथ निकाली, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ 2 की लेंथ निकाली L2, तो पोजीशन 1 बनी L2 प्लस I, यानी 3 प्लस 4 7 बन गए। इज दैट क्लियर? कुछ शक नहीं समझे? इसको हम यूं करते हैं, हम यहां पे करते हैं ताकि वो तुम्हें क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, पहले तो हम वो कोड लिखते हैं, स्ट्रिंग कॉपी, ठीक है, एड्रेस ऑफ टेम्प ऑफ 0 पे, एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग 1 ऑफ 3। अच्छा पहले मैं बल्कि एरे बना लूं तो आपको बेहतर समझ आएगी। अगर अब भी ना समझ आई तो फिर बोल देना, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल स्लैश, ठीक है। ये str1 था, str2 में ले लेते हैं हम, यहां डाल देते हैं ई एफ जी एच, क्या नीचे, ओहो ई एफ जी एच, यहां पे भी एच प्रॉपर कर। दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2। अच्छा स्ट्रिंग 2 की लेंथ क्या है? L2, दैट इज 4। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, सबको क्लियर है? ओके, मैंने एक यहां पे टेम्प बनाया, टेम्प बनाया, ठीक हो गया। अब मैं करता क्या, डिलीट आपने इसको सर्च करना है, सही है, ठीक है। आपने str के तहत पहले तो इसको सर्च करना है। मैं इसको भी खत्म कर रहा हूं, इसको भी मिटाते हैं, नए सिरे से बनाते हैं। उस कोड को हम भूल रहे हैं, हम अपना कोड लिखने लगे। अब मैंने लिखा str एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग 1 ऑफ 0, स्ट्रिंग 1 का स्टार्टिंग एड्रेस भेजा और स्ट्रिंग 2 का स्टार्टिंग एड्रेस भेजा। इसने आपको क्या रिटर्न किया? एड्रेस स्ट्रिंग 1 में से स्ट्रिंग 2 को सर्च किया, मिला ये जगह बनता था, इसका एड्रेस रिटर्न किया, लेट्स सपोज 104। तो एक करेक्टर पॉइंटर आपने पी डिक्लेयर किया और पी में क्या आ गया? 104। लेकिन आपको क्या चाहिए था? 104 नहीं, आपको 4 चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए। तो उसका तरीका का अर्थ क्या था? एक इंटीजर आई डिक्लेयर किया और आपने लिखा आई इज इक्वल्स टू पी माइनस str1।
یہاں تک آپ متفق ہیں؟ سو ناؤ اس جگہ کا نام ہے آئی، ٹھیک ہے؟ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ آئی، ٹھیک ہے نا؟ آئی میں اب کیا آ گیا؟ فور آ گیا نا، یہاں تک متفق ہیں سب؟ صحیح. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اب ڈیلیٹ کتنے ایلیمنٹس ڈیلیٹ کرنے؟ فور. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ای ایف جی ایچ کو ڈیلیٹ کرنا ہے. ٹوٹل کتنے کریکٹرز ہیں؟ فور. تو ایک یہ ہوا، دو تین چار. اس جگہ کو اگر میں کہوں جے، تو جے ایکچولی کیا، کون سی جگہ ہے؟ جے از اکوس ٹو آئی پلس فور. واٹ از فور؟ سٹرنگ لینتھ آف ٹو. تو میں نے یہاں پہ کیا، یہاں سے پہلے کیا ایل ٹو از اکول ٹو سٹرنگ لینتھ آف ایس ٹی آر ٹو، اور یہاں پہ کیا لکھ دوں؟ ایل ٹو. اوکے، پی مائنس ایس ٹی آر ون کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو پھر دیکھتے ہیں. ایس ٹی آر ایس ٹی آر کا فنکشن تھا، اس کو آپ نے سٹرنگ ون بھی بھیجا اور سٹرنگ ٹو بھی بھیجا. This was string one, this was string two. उसने क्या किया, इस string को इस string में search किया, लेकिन ये return क्या करता है? Index number नहीं return करता, ये क्या return करता है? Address. तो इस address से 104 से आपने index number कैसे निकालना? That is p minus str1. तो i में आप क्या आ गया? Index number आ गया. तो ये 4 आ गया. Clear हो गया? अच्छा, अब आपको ڈیلیٹ کس کس ایلیمنٹ کو کرنا ہے؟ اس کو، اس کو، اس کو، اس کو، چار ڈیلیٹ کرنے. تو جو دوسری لوکیشن بنتی ہے جہاں پہ کام کی چیزیں، وہ ایٹ لوکیشن ہے. یہ کیسے نکالا؟ کہ کیونکہ یہ چار تھے اور یہ اس جگہ ملا، تو ان چار میں اگر چار ایڈ کر لو تو یہ جگہ بن جاتی ہے. تو یہ تو ہو گئی آئی لوکیشن. اس میں کتنا ایڈ کیا؟ چار. کیوں چار ایڈ کیا؟ بیکاز اس سٹرنگ کو جس کو ڈیلیٹ کرنا ہے اس کی لینتھ فور تھی، تو پہلے اس کی لینتھ فائنڈ آؤٹ کرو. دیٹ از ایل ٹو، صحیح ہے؟ تو آپ نے ایل ٹو، اس کی سٹرنگ ٹو کی لینتھ نکالی اور آئی میں ایل ٹو ایڈ کیا، کیا بنا؟ ایٹ. تو جے میں کیا چلا گیا؟ ایٹ. از اٹ کلیئر؟ سو یہاں سے آئی میں گیا فور اور یہاں سے ایٹ چلا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے. تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آئی از ایٹ فور اینڈ جے از ایٹ ایٹ. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہے؟ اچھا اب کیا کرنا ہے؟ اب بیسیکلی اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. اب اس کو ڈیلیٹ کرنے کا کوڈ لکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ ڈیلیٹ کرنے کا کوڈ یہ تھا، سٹرنگ کاپی ایڈریس آف ٹیمپ آف زیرو میں کیا ڈال دیں؟ ایڈریس آف، ہاں، ایس ٹی آر ون آف. اب کہاں سے کاپی، مطلب ٹیمپ میں کیا کاپی کرانا چاہتے ہو؟ آئی جے کے ایل سلائز زیرو. تو آئی کی لوکیشن کیا ہے؟ ایٹ. ایٹ مطلب جے. تو یہاں پہ آپ نے جے لکھ دیا. واٹ دا پوائنٹ؟ اچھا یہاں پر کیا آ گیا؟ آئی جے کے ایل سلائز زیرو. متفق ہو؟ اب واپس سٹرنگ کاپی ایس ٹی آر ون کے اندر ٹیمپ ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹیمپ آف زیرو، یہ تو سارا کا سارا واپس ٹیمپ ایس ٹی آر ون میں ڈالنا ہے، لیکن کس جگہ ڈالنا ہے؟ اب یہ سوچنا ہے ہم نے، اس جگہ ڈالنا ہے، اور اس جگہ کو کون ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ آئی. تو یہاں پہ ہم آئی لکھ دیتے ہیں اور یہ جے تھا، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کو ریڈ کر دیا. صحیح ہے؟ تو اب ڈیلیٹ ہو گیا. سو دیٹ از آل، یہ کوڈ ہے، آپ ایسے لے لیں. اچھا ایک اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے، یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو اس طرح سے بتایا. ایکچولی اگر آپ ٹیمپ نہ بنائیں نا، ٹیمپ نہ بنائیں، یہ دیٹ از ڈن، صحیح ہے؟ دس از ون ون وے. ایک اور آسان طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یا آئی لکھتے ہیں یا جے لکھتے ہیں بس، اور آئی اور جے کے درمیان جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے. دس از اندر میتھڈ، رائٹ؟ صحیح ہے؟ کلیئر ہوا؟ یہ اب کوڈ ہمارا جنیرک بن گیا. صحیح ہے؟ صحیح ہے نا؟ اسی کوڈ کو میں نے یہاں آئی اور جے یوز کیا ہوا ہے، وہاں پہ پوزیشن ون پوزیشن ٹو استعمال ہوا ہے، اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ سو آپ یہ بہتر آپ یہ استعمال کر لیں جو آپ کو دل کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ سو اب آپ
किस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि अगर मैं आपको, अब आप एक ऐसा फंक्शन बना चुके हैं जिसको एक मैं बड़ा स्ट्रिंग पास करूं साथ दूसरा स्ट्रिंग पास करूं, वो इस छोटे स्ट्रिंग को इसमें से सर्च करके इसमें से डिलीट कर देता है। सही है। अच्छा, उसने डिलीट कौन सी लोकेशन पे किया? आई लोकेशन पे। सही है। इसमें आपने देखा हो तो उसने आई लोकेशन पे चीजें डिलीट की है ना। अगर मैं रिटर्न आई करा दूं इस फंक्शन में, क्या करा दूं? रिटर्न आई। तो मेरा एक फंक्शन कैसा बन गया कि जिसको मैं दो इंटीजर, दो स्ट्रिंग्स पास करता हूं, बड़े स्ट्रिंग में से दूसरा स्ट्रिंग सर्च करके डिलीट करके जिस जगह पे उसने डिलीट किया उसका इंडेक्स मुझे रिटर्न कर देता। क्लियर है? कुछ शक? एनीवन? आगे बढ़े। तो मैंने आखिर में रिटर्न आई कर दिया। ठीक हो गया। अब सपोज करते फंक्शन आपको कुछ देता है, मुश्किल फंक्शन ये है कि एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, ठीक है। वो स्ट्रिंग क्या था? वो स्ट्रिंग ये था कि किसी ने असाइनमेंट बनाई थी। किसने? शाहजेब ने असाइनमेंट बनाई। अब थी भी शॉर्ट फॉर्म में, तो उसके अंदर तो शाहजेब ने अपना नाम भी लिखा हुआ होगा। तो अब फैजान को मिल गई। अब फैजान क्या चाहता? फैजान चाहता है कि यार कॉपी क्या करना, क्या सिर्फ नाम बदलना? सही। तो अब क्या करेगा वो? क्या करोगे? डिलीट करके अपना लिखोगे। खुद आगे बंदे एक फंक्शन होता है कंट्रोल एच, शॉर्टकट की प्रेस करो कंट्रोल एच। अब एज अ होल पूरी असाइनमेंट स्ट्रिंग वन है, ठीक हो गया। आपने क्या करना है? उसमें से स्ट्रिंग टू सर्च करना है, दैट इज शाहजेब। फिर तीसरा एक स्ट्रिंग होगा जिसके साथ उसे फैजान को, हाँ वो विंडो ना। सही। तो उसके बैकएंड पे फंक्शन क्या होता है, आप जरा समझना कि वो क्या करता है। स्ट्रिंग वन में से शाहजेब निकालता है, उसको डिलीट करता है और उस जगह रिप्लेस कर देता है उसे विद फैजान। सही। अब मसला क्या, अब समझो। अब सपोज करते हैं हमारे पास अब एक अब गौर से समझे इधर इधर, आई एम बैड प्रोग्रामर लिखा होता, ठीक है। सही। उसके अंदर उसको आपने रिप्लेस करना है, आपने कहना है बैड को गुड के साथ रिप्लेस कर दो। सही है। ये लिखा होता आई एम बैड प्रोग्रामर, उसको आप बना दें। वो कहता है जी ये स्ट्रिंग वन है, स्ट्रिंग टू इसमें से सर्च करो और स्ट्रिंग टू को स्ट्रिंग थ्री के साथ रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाए आई एम गुड प्रोग्रामर। सही। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप पहले इसके लिए जगह बनाएंगे और फिर गुड इधर डाल देंगे। 99% लोग ऐसे ही प्रोग्रामिंग करने बैठ जाते हैं इसकी, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। सही। तो मैं आपको नया आसान तरीका बता दूं। मैं कहता हूं जी आप इसमें से बैड डिलीट करें, तो ये बन जाएगा आई एम प्रोग्रामर। बन गया। बैड डिलीट करना आता है, डिलीट का फंक्शन आप बनाया आपने कि इसमें से ये वाला डिलीट कर दो, ये आपको क्या रिटर्न करेगा? आई एम प्रोग्रामर तो बना देगा और इसका इंडेक्स भी रिटर्न कर देगा। अब आपको पता है कि इस इंडेक्स पे ये इंसर्ट करना है, वो इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर लो। उसकी लेंथ रूट की ज्यादा ना बैड से। हाँ, तो अब ये हमारा मसला ही नहीं ना। वो क्या करता था, इंसर्ट का फंक्शन क्या करता था? अब देखो ना ये बन क्या गया, ये अब ऐसे बन गया ना, इकट्ठे जुड़ गया ना आई एम, ये जुड़ गया। तुम्हारा इंसर्ट का फंक्शन क्या करता है? प्रोग्रामर को उठा के कहीं टेम्प में रखता है, गुड इधर डालता है और वापस प्रोग्राम इधर डाल देता था। सही है ना। अब अगर छोटा होता बड़ा होता आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, अब आप इस टेंशन में नहीं है। सही है। तो आपने दो फंक्शंस बनाए, कौन से? एक आपने बनाया इंसर्ट का और एक डिलीट का। तो अब आपने अपनी अक्ल इस्तेमाल की और उससे रिप्लेस का फंक्शन बना दिया। तो आपने क्या किया, आपने कहा आप इस फंक्शन को आपने तीन चीजें पास की कि भाई स्ट्रिंग वन में से स्ट्रिंग टू को डिलीट करके स्ट्रिंग थ्री इंसर्ट कर दो, यही बात है ना। तो आपने स्ट्रिंग वाले फंक्शन को, स्ट्रिंग डिलीट को कहा एस टी आर वन में से एस टी आर बैड को डिलीट करो, उसने आपको बैड का इंडेक्स दिया और आपने कहा स्ट्रिंग वन में स्ट्रिंग थ्री बैड वाले इंडेक्स पे इंसर्ट कर दो, तो रिप्लेस नहीं हो गया। अब चाहे पहले इधर गुड था, गुड को बैड से रिप्लेस करो या बैड को गुड से रिप्लेस करो, दोनों काम हो जाएंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे। ऐसा ही है कि नहीं? सही है। सो जो हम कहते हैं आपको बार बार कि यार फंक्शंस बनाए फंक्शंस बनाए फंक्शंस बनाए, वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज आप उसको रीयूज कर सकते हैं। और देखो यहां बैठ के
मुझे टेंशन नहीं हुई कि डिलीट कैसे करता है, इंसर्ट कैसे करता है। वो जब उसने बनाया था, उसको बनाया था, हमने उस टाइम उसके ऊपर फोकस रखा था। अब नहीं हमें टेंशन, अब हमें कोई टेंशन नहीं। अब हम वी आर वेरी क्लियर कि यार क्या चाहिए क्या चाहिए। भाई डिलीट भी करना है, इंसर्ट भी करना है। डिलीट वाला ये काम कर देता है, इंसर्ट वाले दोनों को कॉल किया अपना काम। हम देखे रिप्लेस वाले ने किया क्या, कुछ भी नहीं और सब। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे कहेंगे यार जिसने रिप्लेस का फंक्शन बनाया होगा उसने आला काम किया, ऐसे ही है ना। लेकिन आले को उसने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो इसने ये काम है, इसने किया स्मार्ट वर्क। क्या किया? स्मार्ट वर्क, सही है। और दुनिया में कामयाब वही लोग हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क वाले नहीं कामयाब होते। स्मार्ट वर्क मतलब ये होता है यार जहाँ आपका काम बनता है आप काम निकालें, हर दफा पहिया दोबारा ईजाद नहीं करते, सही है। तो हमने हर दफा पहिया नहीं याद करना कि भाई एक बना हुआ फंक्शन नहीं मैं फिर करूंगा, नहीं क्या जरूरत है भाई। फंक्शन बनाए इसलिए कि हम उसे रीयूज कर सके। सो इसकी तरह से आप इसको रीयूज करेंगे और आपका काम बन जाएगा। तो ये छोटी सी कुछ बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी है। स्ट्रिंग से रिलेटेड अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ सेम टाइप इन क्रिस्प मेमोरी, वो अगेन वही बात है, वन डायमेंशनल एरे होती है। इसको जो डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग लिखते हैं, जैसे ये हेलो लिखा हुआ है, लिटरल स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट कहलाता है। अगेन इसका जो स्ट्रिंग टर्मिनेटर होता है, ठीक है, वो क्या है? स्लैश जीरो। अच्छा, कंपाइलर ऑटोमेटिकली अपेंड्स इट एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। जब हम लिखते हैं यूं A1 equals to double quotes में ABC, तो कंपाइलर खुद से स्लैश जीरो इसके एंड पे डाल देता है, ठीक है। करेक्टर स्ट्रिंग 6 इज इक्वल टू हेलो, तो इसमें HELLO स्लैश जीरो। अब स्लैश जीरो ये पूछ रहा है कि स्ट्रिंग 5 पे क्या पड़ा हुआ, स्ट्रिंग 0 पे क्या पड़ा हुआ, H1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, शाबाश, बैक स्लैश 0। अब इसको देखते हैं, इसमें आपने जब डिक्लेयर किया तो ABC के साथ स्लैश 0 भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा, तो इसका साइज क्या होगा, 4। आपने साइज डिफाइन नहीं किया हुआ बट 4 बन जाएगा। इस सूरत में जब आपने ABC लिखा तो क्या बनेगा, बैक स्लैश 0 इस सूरत में नहीं अपेंड होता। तो ये अब करेक्टर एरे बनेगी और इसका साइज 3 होगा। A3 ABC स्लैश 0, नाउ दिस इज 4, इसका 4 है। अब A1 को अगर आप प्रिंट कराओगे तो वो ABC स्लैश 0 पे रुक जाएगा। जी जी, हाँ वो अभी आ रहा है। देखो ना, देखो पुटेस A1 को प्रिंट कराओगे तो पुटेस का फंक्शन क्या करेगा, A से शुरू करेगा, ABC स्लैश 0 पे रुक जाएगा। A2 पे क्या होगा, ABC आगे गार्बेज, तो वो रुक नहीं पाएगा। सो दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, क्योंकि उसे रुक ही नहीं पाया, ठीक है। A3 पे क्या होगा, ABC स्लैश 0 पे रुक जाएगा। सो A3 इज अ स्ट्रिंग, दैट इज फाइन। सो इज A2 अ स्ट्रिंग, तो A2 इज नॉट अ स्ट्रिंग। फिर देखते हैं, ओ भाई इसके आखिर में स्लैश 0 ही नहीं ना, तो फिर रुकेगा कैसे। पुट एस का फंक्शन क्या करता है, ओहो आगे स्लैश 0 नहीं पड़ा हुआ, सही है। अब पुट एस के फंक्शन को तुमने कहा यार इसको प्रिंट करना शुरू करो, उसने क्या किया, A को प्रिंट किया, B को प्रिंट किया, C को, वो रुकेगा कब, जब स्लैश 0 नहीं आता। और ये रुक पाएगा कभी नहीं, वो दीवार से जाके लगेगा तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा, सही। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं ये स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। जबकि A3 इज अ स्ट्रिंग, ABC स्लैश, दैट्स फाइन। अब यहां पे एक सवाल है, B4 में B4 एलिमेंट हायर, बताओ B0 पे क्या पड़ा होगा, H, B1 पे, B2 पे, बैक स्लैश 0, B3 पे क्या पड़ा होगा, बैक स्लैश 0। ये बात याद रखनी है कि जब हम 2 से 3 से एनालाइज किए बाकी सब पे बैक स्लैश 0 पड़ा होता है जितना भी साइज, ठीक है। सो दिस वॉज स्ट्रिंग, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था हमारा, हमने जितनी भी प्रोसेस जितना भी काम करना है जो कुछ भी करना है वो हमने इसी के ऊपर करना, ठीक है। इसे रोकना एक दफा, हाँ जल्दी।